हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर या आपके लो बीपी के बारे में। और ये उतना ही सीरियस प्रॉब्लम है जितना आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कभी आपका अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है यानी बीपी लो हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आप किन तरीकों को अपनाकर इस परेशानी में या इस समस्या में पा सकते हैं राहत। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। तो आइए पहले यह समझ लेते हैं कि लो बीपी है क्या। यहां पर मैं बिना किसी मेडिकल टर्म को यूज करते हुए आपको सिंपल एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूं। लो बीपी यानी हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह होता है उसका धीमा पड़ जाना ही हमारा लो बीपी है। एक स्वस्थ नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80 यानी 120/80। अगर ये उससे कम है यानी 90/60 जो एक मानक है, अगर ये उस पे है तो ये एक लो ब्लड प्रेशर है। आइए तो आप जान लेते हैं कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो किस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जी घबराने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग सेंसेशन बनती है, सिर में दर्द होता है, पसीना आने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, आपको वोमिटिंग सेंसेशन बनती है, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, ब्लर विजन हो जाएगा, आपको थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। कई बार इसमें जब ज्यादा ये डिफॉल हो जाता है तो आपका बेहोशी भी आ जाती है। इस तरह के सिम्टम्स आपको लो बीपी में देखने को मिलते हैं। तो आइए आप जान लेते हैं कि हमारा बीपी लो होता क्यों है यानी इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, लो बीपी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कोई आपको सीवियर इन्फेक्शन चल रहा हो, उसकी वजह से बीपी लो हो गया हो, डिहाइड्रेट हो गए हो आपकी बॉडी, तब भी बीपी लो हो जाता है आपका, सोडियम लेवल डाउन हो गया बॉडी का, तब बीपी लो हो जाएगा, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या कोई डायबिटिक हो या इस टाइप का, या कोई आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, आप एनेमिक हो, तब भी आपको लो बीपी हो सकता है। तो अब आइए जान लेते हैं वो तरीके जिनको अपनाकर आप अपने लो बीपी में पा सकते हैं राहत। पर यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा कि अगर इन तरीकों को अपनाने के बाद बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उनकी सलाह लें। सबसे पहला जो है वो है आप पानी पीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे भी बहुत बार बीपी लो होता है। ज्यादा पसीना बह गया, आप जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट आपने कर दिया है, कुछ ऐसे आप काम कर रहे हैं जहां बहुत पसीना बह रहा है, या आपको लूज मोशन हो गए हैं, वोमिटिंग हो रही है, तब आपके बॉडी से जो आपको वाटर लॉस हो रहा है, तो आपकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रही है, तब उस कंडीशन में भी बीपी लो होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, जिसका बीपी लो हो रहा है, उसको बार बार पानी पिलाइए। हो सके तो उसमें ORS मिला के, या आपके इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह बहुत चीजें आती हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको भी मिलाकर आप दे सकते हैं, और उसको थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी पिलाते रहें। यानी आपको डिहाइड्रेट है, आपको हाइड्रेट होना है। दूसरा जो तरीका है, इसमें आपको जिसका बीपी लो हो रहा है उस पेशेंट को आपको लिटा देना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि लो बीपी में चक्कर आते हैं, बेहोशी भी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पहला तो कोई चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो, इसलिए आप जिसका बीपी लो हो रहा है उसको आप लिटा दीजिए, और पैरों के नीचे तकिया लगा दीजिए, जिससे ब्लड का फ्लो आपके पैरों से सिर की तरफ प्रॉपर बना रहे, आपके ब्रेन को बराबर ब्लड मिलता रहे। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के लिए। आप डीप ब्रेथ करना शुरू कर दें, हल्की गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें, रिलैक्स होने की कोशिश करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, डीप ब्रेथ करते रहें, इससे थोड़ी देर में आपका बीपी लो होने की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिलेगी। आप अपने चाय या कॉफी का सेवन करें, इसमें अगर हो सके तो आप लिकोराइस टी, लिकोराइस मतलब आपके मुलेठी की चाय का इस्तेमाल करें। ये आपका अगर बीपी लो हो रहा है तो उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप एक कप पानी ले लीजिए, उसमें 4-5 अगर मुलेठी के टुकड़े हैं तो आप उनको डाल के उबाल लीजिए, या आधा चम्मच मुलेठी को डालकर उबाल कर उसका पानी पीजिए। ये अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो उसको नॉर्मल लाने में बहुत आपकी मदद करेगी। तो ये थे कुछ तरीके जिनको कर आप अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं अगर आपका बीपी लो हो गया है तो। उम्मीद करता हूं आपने ये सारे तरीके अपने पास नोट कर लिए होंगे, और अगर बीपी लो होता है तो उसमें इनको अपनाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। पर यहां फिर एक बार कहूंगा कि ये सब तरीके आप अपनाइए, पर अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, जिससे मैं कल फिर आ सकूं आपके लिए एक नई वीडियो लेके, एक नया हेल्थ कंटेंट लेके। तब तक धन्यवाद।